और भाई अब आपको एक दूसरे क्षेत्र में ले चलते हैं जो इन दिनों एक बड़ी चर्चा का विषय है। वो है हमारा शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष और 2021 में आयोजित होने वाला महाकुंभ। हरिद्वार का कुंभ 2022 में होना था, परंतु ग्रह नक्षत्रों की कुछ स्थिति बनी कि वो योग जो कुंभ का योग है वो एक वर्ष पूर्व हो गया। इस कारण से इस बार जो कुंभ हो रहा है वो 2021 में 11 वर्ष बाद हो रहा है। अपने आप में एक बड़ी अद्भुत घटना है ये, और ऐसा संयोग बना कि इसके साथ ही हमारी परम पूज गुरुदेव की दिव्य स्थापना शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष अर्थात 50 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। तो इन दोनों कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में शांति कुंज को घर घर पहुंचाना और कुंभ को घर घर पहुंचाना। आप कुंभ नहीं आ सकते, आप यहाँ डुबकी नहीं लगा सकते तो गंगा जी आपके द्वार पहुंच जाए। आप यहाँ नहीं आ सकते स्वर्ण जयंती वर्ष में तो गायत्री माता गुरु जी आपके घर पहुंच जाए। इसके लिए योजना बनी, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, कुंभ हरिद्वार आपके द्वार। तो एक बड़ी योजना इसके लिए बनी है जिस पर बहुत मनन चिंतन हुआ है, और यह तय हुआ है कि बड़े क्षेत्र में पूरे देश भर में, जैसा 1991-92 में हम लोगों ने देव स्थापना का क्रम चलाया था, वैसा ही एक बहुत बृहद कार्यक्रम शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष में आयोजित किया जाए। इससे संबंधित पूरी क्रियाविधि क्या होगी, क्या स्वरूप होगा, कैसे इसको करेंगे, आपकी और हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इन पर प्रकाश डालने के लिए मैं अब आमंत्रित करता हूं आपके पूर्वी जोन के हमारे समन्वयक आदरणीय भाई शशिकांत सिंह जी, उनके साथ में हमारे भाई साहब आदरणीय पूर्वोत्तर भारत को देखने वाले भाई हमारे विनय जी बैठे हुए हैं। आप भाई, अब शशिकांत जी आपको इस संबंध में सारी जानकारी देंगे। आदरणीय शशिकांत जी, बिहार, बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर प्रदेश के सभी भाई बहन जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन सभी भाई बहनों को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आदरणीय दुबे जी भाई साहब के माध्यम से आपने सुना, और ये क्रम अभी पिछले 5 दिनों से यहाँ चल रहा है और आज अंतिम ही है इस क्रम का। निश्चित रूप से आपने इसके बारे में सुना होगा क्योंकि ये कार्यक्रम यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, लाइव भी चल रहा है फेसबुक के माध्यम से, तो ये गूंज आप तक जरूर पहुंची होगी। बड़ा अद्भुत संयोग है जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये कुंभ जो आ रहा है और साथ साथ शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष, ये दोनों मिला हुआ है। तो अद्भुत संयोग में एक अद्भुत प्रयोग, परम श्रद्धे डॉक्टर साहब और श्रद्धे अजी जी के मन में एक विचार उतरा, और आदरणीय चिन्मय भैया जी के माध्यम से आपने सुना होगा, यूट्यूब पर उनका लेक्चर भी है, आप सुन सकते हैं। और फिर योजना आदरणीय दुबे जी भाई साहब तक आई और फिर पूरी टीम ने मिलकर के एक ऐसा एक क्रम बनाया है, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य साकार कैसे हो, वो कैसे यहाँ तक आपके तक पहुंचे, और कुछ गुरुदेव का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके, उसकी पूरी कार्य योजना बनाई गई है। और इस अभियान का लक्ष्य है, 3 उसके क्रम है। पहला है शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष 2021 एवं आगामी वर्ष में आयोजित होने वाले कुंभ महापर्व 2021 के अवसर पर ग्राम ग्राम और घर घर में युग संदेश पहुंचा। तो ये युग संदेश हर गांव में और हर घर में पहुंच सके, एक बहुत बड़ी योजना है जिसको हम सबको कार्यान्वित करना है। कैसे करेंगे उस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। दूसरा है 2026 के मिशन आदर्श शक्तिपीठ के लिए आधार तैयार करना है। 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है और आपको मालूम है 2026 में शताब्दी वर्ष है, उसका एक पूरी योजना, उसके लिए शक्तिपीठ तब तक कैसे बने जो कुछ गुरुदेव चाहते थे, वंदनीय माता जी के उस जन्म शताब्दी वर्ष पर ये शक्तिपीठ प्रकोष्ठ ने और सब पूरी टीम ने मिलकर के योजना बनाई है श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में, कि कैसे हम उन आदर्श शक्तिपीठों को वहां तक पहुंचाएंगे, उसकी पूरी योजना RPT है, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये आपको आदरणीय भाई साहब बताएंगे उसके बारे में। और तीसरा है गृह गृह गायत्री यज्ञ उपासना का विस्तार करना एवं देव परिवार को विकसित करना। अभी आप श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उद्बोधन में सुन रहे थे कि देव संस्कृति के सूत्र घर घर पहुंचे, और उसके लिए उपाय एक ही है कि देव संस्कृति के माता पिता, बहुत दिन से हम सब नारा लगाते रहे हैं यज्ञ पिता गायत्री माता, हर परिवार तक पहुंच जाए और परिवार देव परिवार बन जाए, और देव परिवार के
विस्तार उसका होता रहे, विकसित करते रहें, ये योजना है। अब मूल रूप से हम आते हैं कि ये जो कुंभ का की योजना है कि कुंभ के इस महापर्व में जो हमारे संस्कृति की बहुत बड़ी विरासत रही है, 12 वर्षों में आता है और सारी समस्याओं का समाधान जो 12 वर्षों में होते हैं उसका किया जाता है। लेकिन जैसा भाई साहब ने बताया, आप सब जानते भी होंगे कि ये बड़ा अद्भुत इसलिए है कि 11 वर्ष में ही हो रहा है। अंकों का पूरा शास्त्र है, जो अंक शास्त्र जानते हैं उनको पता होगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब बाद में धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप इसमें रुचि लेंगे। 11 वर्षों में हो रहा है और निश्चित रूप से कोरोना का काल है और इस कोरोना काल में कैसे कुंभ आप तक पहुंचे, योजना बनाई गई, आने में दिक्कत है, सब जानते हैं, बहुत व्यवहारिक बात है। अभी तक कोई ट्रेनें यहाँ शुरू नहीं हुई है, हरिद्वार प्रशासन का कहना है कि सबको स्नान करने का मौका भी नहीं मिलेगा, कुछ अखाड़े स्नान करेंगे, खैर वो लंबा विषय है। लेकिन मूल बात तो ये है कि नहीं आ पाएंगे लोग, लेकिन क्या नहीं आ पाएंगे तो कुंभ हमसे दूर रह जाएगा, माँ गंगा दूर रह जाएगी, क्या हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्या उनके बूंदे सुख हमारे शरीर पर स्पर्श नहीं होगा, सोचा श्रद्धा जी ने, श्रद्धा डॉक्टर साहब ने, और फिर योजना बनाई कि नहीं आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हम आप तक पहुंचाएंगे, और उसी के अंतर्गत ये योजना बनी है। और ये कार्यक्रम मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को होता है, 14 जनवरी 21 से प्रारंभ होकर के और 27 अप्रैल 21 तक चलेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। कितने घर में, कितने गाँव में जा सकेंगे ये हमारे आपके अपने मेहनत पर निर्भर है, परिश्रम पर निर्भर है, और योजना ढंग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य पूरा होगा। और प्रयास ये है कि केंद्र से टोलियां इससे पूर्व चयनित केंद्र तक पहुंच जाएंगे। प्रदेश में जैसा आप सबको मालूम होगा कि पूरे प्रदेशों में, पूरे भारत में लगभग 25 जोनल केंद्र हैं, जोनल केंद्र के नाम से आप सब जानते हैं उसे, तो 25 जोनल केंद्र हैं और लगभग 100 से 108 उपजोन केंद्र हैं, और उन उपजोन केंद्रों को माध्यम केंद्र बनाया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से सक्रिय समर्थ 3000 शक्तिपीठों का चयन करना है। शक्तिपीठ जब कह रहे हैं, जैसे आदरणीय भाई साहब ने बार बार उद्बोधन बताया है कि शक्तिपीठ जब भी कहते हैं मतलब प्रज्ञा संस्थान, वो प्रज्ञा संस्थान जिसमें प्रज्ञापीठ भी है, चरण पीठ भी है, चेतना केंद्र भी है, गायत्री ज्ञान मंदिर भी है, वो सारे संस्थान जहां से एक बहुत बड़े क्षेत्र में आलोक का जागरण, जन जागरण का कार्य चल रहा है, तो उन संस्थानों को लिया गया है। तो लगभग वो 3000 के संख्या में है। उन 3000 केंद्रों के 11 गांव यानी 33000, अंक पर ध्यान देना, 33000 देव शक्तियां होती, तो 33000 गांव में, और उसमें भी हर गांव में, एक गांव में 24 ही क्यों, गुनाभाग बहुत किया गया था, एक रिजल्ट आप तक आया है कि 3000 संस्थान ही क्यों और 11 गांव ही क्यों, उसमें 24 क्यों, तो 33000 देवताओं का एक गांव बनेगा और उसमें 24 मतलब गायत्री मंत्र का अवतरण होने वाला है। क्योंकि भगवान की योजना ऐसी अद्भुत होती है ना कि भगवान वहां जाकर के मारते हैं जहां राक्षस छिपा बैठा है। हिरण्याक्ष के बारे में आप जानते हैं, बातें लंबी नहीं करनी है, लेकिन वो ऐसा जगह पर जा बैठा था जहां भगवान के आने की संभावना नहीं है, लेकिन भगवान वाराह का रूप बनाए, गंदगी में गए और वहां उसका पेट फाड़े। तो जहां भी न जाने किस परिवार में, किस मन में वो असुर शक्ति घुसा बैठा है, तो वहां जाकर के परमात्मा उसको समाप्त करेंगे। ये पूरी योजना है भगवान की। तो 11 प्रत्येक शक्तिपीठ के द्वारा न्यूनतम 11 गांवों का चयन करना है प्रथम, और इन चयनित गांवों में न्यूनतम 24 घरों का चयन करना है, तो वहां पर ये स्थापना होगी। और इस प्रकार न्यूनतम जो लक्ष्य बनाया गया है लगभग 1,00,000 नए परिवारों में, और एक नए परिवार शब्द पर ध्यान देना, नए परिवार का मतलब हम यहाँ कोशिश ये करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि जब भगवान आ ही रहे तो पहले अपने घर, अरे आपके घर में तो है ही है, नए परिवार में जहां पर आपके घर से तो भागा लेकिन कहां जाके छिपा, उस बगल वाले के घर में छिपा, उन नए घरों में जाकर के इसकी स्थापना करनी है। ध्यान ये देना है, अपने दिल को बढ़ाना है, हृदय को विकसित करना है, और ये ध्यान देना है कि जिस घर में अभी तक गायत्री माता नहीं पहुंची, गंगा माता नहीं पहुंची, यज्ञ भगवान नहीं पहुंचे, उनको उस घर तक हमको ले जाना है। तो कोताही या संकीर्णता मत करिएगा कि हम अपने अपने घर में देखें, पहले दूसरों घरों में, बाद में क्रम चलता रहेगा। तो ये नए परिवारों में गंगा जली, देव स्थापना चित्र, देव परिवार का संकल्प पत्र, गायत्री यज्ञ उपासना पद्धति, कुंभ पर्व महात्म्य जो शांतिकुंज द्वारा तैयार कर उक्त केंद्रों को प्रेषित किया जाएगा, जहां से उन्हें चिन्हित घरों तक पहुंचाना है। तो ये किट में जो जो सामग्री रहेगी उसकी चर्चा हुई, तो ये जाएंगे। शांतिकुंज द्वारा तैयार कर उक्त केंद्र एवं उपकेंद्रों को प्रेषित किया जाएगा, जहां से उन्हें चिन्हित घरों तक पहुंचाना है। जोन तक सामग्री, अब कैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी समझ लेंगे। जो हमारे जोन है 25 जोन, वहां तक सामग्री शांतिकुंज पहुंचाएगा,
अब वो कैसे पहुंचाएगा ये अटलांटिक में अपना उसमें उनकी अपनी स्ट्रेटेजी उसकी है। जोन अपने उपजोन तक भेजेंगे, जो जोन पर है वहां से मिलकर के अपने अपने उपजोन तक उन सामग्रियों को पहुंचा देंगे। फिर उपजोन अपने शक्तिपीठों को यानी उस प्रज्ञा संस्थान जो उसके अंदर आएंगे वहां तक उनको पहुंचाना है, और उसके बाद शक्तिपीठ अपने क्षेत्र में जो 11 गांव पहले चयनित, जो समय आपके पास है इसमें आप 11 गांव का चयन करेंगे और उसमें भी 24 घर कौन से होंगे उनका चयन कर लेंगे, वहां पर आपको उन घरों में स्थापना करानी है। इस प्रकार 3000 संस्थान, 11 गांव और उसमें 24 घर, इतने तक नए घरों तक पहले चरण में हम सबको जाना है। लगभग हर सक्रिय जिले में ज्ञान रथ है, जहां ज्ञान रथ नहीं है वहां चौपहिया वाहन है या कोई संविधान भी दे सकते हैं, तो उनको भी ज्ञान रथ जैसा सजा लेना है और उसके माध्यम से यह योजना क्षेत्र में संचालित की जाएगी। इस हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की टोलियां बना लेंगे, टोली बना करके इसको व्यवस्थित रूप से किया जाएगा और इस टोली में महिला मंडल, युवा मंडल और प्रज्ञा मंडल का पूर्ण सहयोग स्थापित होगा। और महिला मंडल का तो, बहनों का तो बहुत ही इसमें वातावरण बनाने से लेके घर घर संपर्क करने में बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो उन बहनों को जरूर इसमें सक्रियता से बना लेना है और कैसे उसको करेंगे उसके संदर्भ में आप सब मिल करके योजना बनाएंगे। रथ में गंगा अमृत कुंभ स्थापित होगा, एक कलश अमृत कुंभ के रूप में, और उसको घर घर तक ले जाएंगे जिससे लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी और श्रद्धा उसके माध्यम से पूजन भी होगा और एक संक्षिप्त पूजन के बाद घर घर में स्थापना की जाएगी। इस किट में रखे हुए देव स्थापना संकल्प पत्र को भरवाकर, एक बात और ध्यान देंगे, ये जो किट पहुंचेगा उसी में एक संकल्प पत्र भी शुरू से रखा ही रहेगा उसके अंदर। जिनके यहाँ स्थापना होगी वो उस संकल्प पत्र को भरेंगे, नीचे का काट करके अपने रिकॉर्ड में रख लेना है, ऊपर का भाग उसी परिवार को दे देना है। ये आपके लिए बता रहे हैं, परिवार से आपको करवाना है, ये नहीं कि उनको दे करके छोड़ दिया, शायद वो ना समझ पाए ना कर पाए, तो तत्काल ही एक बहन या एक भाई उनसे कह के भाई इसको भर दीजिए और भरने के बाद ऊपर का संकल्प पत्र रख लेंगे और उसमें जो करना है उनको स्थापना के बाद नियमित उपासना, सरल साधना विधि, स्वाध्याय आदि का परिचय होगा, उसको वो फॉलो करेंगे बाद में। और ये परिवार जो होंगे आपके बाद में इन्हीं का आप मंडल भी बना लेंगे, महिला मंडल बना लीजिए, जिस घर में जो सक्रिय है, बहनें सक्रिय है तो महिला मंडल बना लीजिए, भाई सक्रिय है तो प्रज्ञा मंडल बना लीजिए, युवा सक्रिय है तो युवा मंडल बना लीजिए, और ये आपके लिए ऐसे तंत्र होंगे जो फिर आगे आपके कार्य में मदद करेंगे। और उसी में आगामी 26 मई को आपको मालूम होगा इस साल निर्धारित हो गया 2021 में 26 मई को गृह गृह यज्ञ होगा, जो पहले आप करते रहे हैं वही गृह गृह यज्ञ 26 मई को होगा। तो 26 मई को होने वाले गृह गृह यज्ञ में इन नए घरों में जहां आप देव स्थापना करेंगे, जहां आप कुंभ का गंगा जल की स्थापना करेंगे, उन्हीं घरों को आप लक्ष्य बनाइए, उनके यहाँ यज्ञ कराएंगे तो संख्या और आपकी बढ़ेगी। इन्हीं परिवारों में गुरुदेव के अनुसार समाधान की प्रेरणा, नियमित अंशदान हेतु धर्मघट, ज्ञानघट भी स्थापित किया जाएगा। आपके पास पूरा इनका, इनकी पता, इनका एड्रेस भी होगा, पता आप नोट कर लेंगे, धर्मघट की स्थापना कर देंगे, प्रेरणा देंगे, बताएंगे। मुठिया अनाज बिहार में और झारखंड में तो बहुत फेमस है, जानते हैं, मुठिया निकालते हैं, तो एक ही प्रकार का कोई उसके विस्तार में आप सब जानते हैं, उसको खिचड़ी बनाना है, चावल या चावल, गेहूं या गेहूं, जो भी, तो उसको निकालेंगे, अंशदान भी की प्रेरणा देंगे और उसको एकत्रित करने की व्यवस्था भी आप बनाएंगे। इससे शक्तिपीठ में धर्मघट के माध्यम से आवक होने लगेगा, जिससे आप आगे कार्य करेंगे। इन परिवारों को अपने यहाँ होने वाले पर्वों संस्कारों की जानकारी भी देना है, ये तो अपना कर्तव्य भी है। जिन परिवारों को आप जोड़ेंगे उनका जन्मदिन मनाना, उनका विवाह दिन मनाना, और उन बच्चों को कि उनके यहाँ कोई अगर संस्कार होना है तो संस्कार करवाने के लिए, पर्व जो हमारे होते हैं, पूज्य गुरुदेव ने इतना लंबा सब कुछ लिखा है, बताया है कि हम सब कैसे पर्व मनाना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, तो ये सब उनको आप बताएंगे और शक्तिपीठ आने का आमंत्रण भी देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। इस प्रक्रिया में चुने गए प्रत्येक गांव में घर घर गौपालन हो, सरोवर संरक्षण हो, हरितिमा संरक्षण हो, विद्यालय अगर उस गांव में है तो विद्यालयों में युग ऋषि का साहित्य पहुंचे, श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने की प्रेरणा भी इसके माध्यम से दी जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि छोटा सा कार्यक्रम नहीं है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जब आप इस पे बैठ के चिंतन करने लगेंगे तो निश्चित रूप से गुरुदेव की प्रेरणा आने लगेगी और समझ में आने लगेगा कि छोटा सा दिखने वाला कार्यक्रम कहां तक ले जाने वाला है और एक बहुत बड़ा असुरता पे बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है, ये आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अभियान में समन्वय एवं मदद हेतु शक्तिपीठ संगठन कार्यालय संबंधित जोन एवं तकनीकी सहयोग हेतु युवा प्रकोष्ठ से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ के लिए अगर आपको कोई अभी बातें समझ में नहीं आ रही है या समझने में दिक्कत होगी,
और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या तकनीकी जानकारी लेनी हो या क्या दिक्कत हो रही, हर क्षेत्र की कुछ अपनी अपनी मुश्किलें हैं, पूर्वोत्तर की कुछ अलग मुश्किलें हैं, कोई भी दिक्कत हो कभी भी आप फोन करिए, मेल करिए, युवा प्रकोष्ठ से, शक्तिपीठ कार्यालय से या जोन से आप पूछ सकते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं। अंचल एवं उपांचल स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु कार्यकर्ताओं के विस्तृत संगोष्ठी हेतु केंद्रीय टोली भेजी जा रही है जो प्रशिक्षण एवं किट वितरण का कार्य करेगी। मतलब समझे होंगे आप, यहाँ से दो दो भाइयों के, तीन तीन भाइयों की टोली, केंद्रीय टोली बनेगी जो आप तक पहुंचेगी, कहाँ पर, उपजोन उपांचल तक, और वहां पर सारे जो उससे संबंधित जो जिले हैं, उन जिलों से संबंधित जो प्रज्ञा संस्थान है उनके लोग आएंगे, उनको ये बताएंगे कि कैसे इस किट की स्थापना करनी है, क्या इसमें एक संक्षिप्त सा मंत्र होगा, बहुत संक्षिप्त में लेकिन प्रभावी, कैसे उनको बताएंगे, कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने का काम तो चयनित का काम, चयन करने का काम तो आपको पहले करना है, लेकिन वहां पर स्थापना कैसे करनी है इसका एक प्रशिक्षण संक्षिप्त सा होगा और किटों का वितरण भी वहां से कर दिया जाएगा। प्रज्ञा अभियान पाक्षिक अखंड ज्योति के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, आप नियमित रूप से प्रज्ञा अभियान पढ़ते रहिए पाक्षिक और उसको स्वयं भी पढ़िए, लोगों को तो बताते भी रहिए, इसी बहाने उनको जोड़ते भी रहिए, उनकी संख्या बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, ये 2026 तक चलने वाला है। अभी प्रज्ञा अभियान सामान्य प्रज्ञा अभियान नहीं रहेगा, एक ऐसा प्रज्ञा अभियान होगा जिसको आप जब रखते जाएंगे तो बाद में आपके लिए खाती जैसा कार्य होगा, कोई भी समस्या का समाधान आप ढूंढेंगे इसमें तुरंत मिल जाएगा। तो प्रज्ञा अभियान के सदस्य भी बनाते जाएं। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी घरों तक, जैसा होता आया है हमेशा से, कुछ गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद पत्र, श्रद्धेया जी जी का आशीर्वाद पत्र, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आशीर्वाद पत्र आप तक पहुंचेगा, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी, संकल्प बल बढ़ेगा आपका और वो योजना सब तक पहुंचाई जाएगी। बस इतना ही निवेदन कर रहे हैं भाई बहनों कि संगठन को मजबूत करने का और आपस में प्यार और सहकार बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्यों? क्योंकि इसमें सबको जुड़ना है, बड़ों को भी, छोटों को भी, बहनों को भी, युवाओं को भी, भाइयों को भी। जैसा विश्व डॉक्टर साहब ने कहा ना कि दो गुट, चार गुट, छह गुट, आठ गुट हो रहा है, नहीं, दो गुना, चार गुना, आठ गुना, दस गुना, बारह गुना, सौ गुना तक, ये गुट की जगह गुना मान लीजिए और उसको चलाइए, कराइए। आपस में प्यार सहकार बढ़ाने का एक बहुत एक उत्सव है। जब निकलेगा आप कल्पना करिए, रथ निकल रहा है, अमृत कुंभ निकल रहा है, लोग जा रहे हैं और कुंभ का समय है, आनंद ही आनंद है। उस आनंद से ना आप वंचित रखे, किसी को वंचित रखने दीजिए, ऐसा आप प्रयाग करेंगे। क्योंकि भाई बहनों एक बात अंतिम कह दूं, और जानते भी हैं कि भगवान का काम, असल में तो ये भगवान का काम है, और भगवान के काम में जो जुड़ जाएगा, हाँ एक मन में कभी कभी शंका होने लगती है कि भगवान का काम है, ऐसा कैसे हो रहा है, समस्या, तो भगवान के कार्य करने की शैली यही है, समान से, सामान्य से असामान्य उत्पन्न कर देना भगवान की शैली है। ये सामान्य ढंग से हो रहा है, यही भगवान का कार्य है। सामान्य ढंग से पुल बन जाता है, एक एक पत्थर लाओ पुल बन गया। सामान्य ढंग से गोवर्धन उड़ जाता है, एक एक लकड़ी लगाओ गोवर्धन बन गया। सामान्य ढंग से रावण मर जाता है, बंदरों को इकट्ठा करो और सबसे अच्छी मिलिट्री बन जाती है, अनुशासनहीन बंदरों का एक बड़ा अनुशासित फौज बन जाता है। ये किसकी व्यवस्था है? ये भगवान की। हाँ समझ नहीं पाते, भगवान ने तो स्वयं कह दिया ना, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम ना भी जानाति लोके मामो अव्ययम्। भगवान ने गीता में कहा कि मूढ़ लोग नहीं, मूढ़ मतलब जो जो इसी भौतिकता में लगे हैं वो मूढ़ है, अपने लक्ष्य को भूल करके वो नहीं पहचान पाएंगे उनकी योजनाओं को, क्योंकि भगवान योग माया में अपने आप को समेटा रखता है। खैर हम आप सब पहचाने हैं, पूज्य गुरु की कृपा से उन्होंने पहचानवाया है कि सौभाग्य से हम वंचित रह जाए, एक मौका मिला है, जितनी भी सामर्थ्य है, तन धन मन लग जाइए, जुड़ जाइए और क्रांति हो जाए। किट 10 लाख ऐसा लगे कि बस 10 लाख ऐसा लगे, ये होना चाहिए और शानदार रूप से होगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी इसमें साक्षात रूप से 2026 तक जो योजना आदरणीय भाई साहब आए हैं, और एक अच्छे क्या तारीफ तो करने की स्थिति है नहीं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छे योजनाकार हैं और बड़ा उत्साह हो रहा है और पूरे क्षेत्र में उसका फीडबैक आने लगा, भाई बोलो आने लगा, आनंद आनंद आनंद, और केवल गुरुवर की कृपा है। बहुत मन से श्रद्धेया जी ने इस योजना को बनाया है, कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया है, बहुत उत्साह का वातावरण शांतिगुंज में है। बस ऐसे ही लक्ष्य प्राप्त करें, इन्हीं के साथ बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशिकांत जी, बहुत सुंदर तरीके से पूरी योजना क्रमशः आपके पास रखी। गंगा जी और कुंभ आपके पास आ रहा है, जब भी पर्व आए दो बूंद अपनी बाल्टी में डालिए, गंगा जल हो जाएगा पूरी बाल्टी में, आप अपनी पानी की टंकी में दो बूंद डाल दीजिए तो पूरी गंगा जी बह उठेंगी, और नहाइए वहीं बैठ करके कुंभ के स्नान का लाभ लीजिए। शायद ही कभी हर व्यक्ति कुंभ में आता हो, परंतु अब आप कुंभ आपके द्वार पर खड़ा हुआ है।
तो बहुत सुंदर योजना है, इस योजना को हमको आगे बढ़ाना है। और शक्तिपीठों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। हमारे पास आज ही संकेत आया था कि साहब 24 घर में कुछ नहीं होगा, गांव वाले तो पूरा गांव मांगने लगता है। तो अभी तो ये पहला चरण है, हो सकता है दूसरे चरण में फिर 10 लाख हम नए घरों में पहुंच जाए। परंतु जिन घरों में भी ये गंगा जल वितरण नहीं करना है, ये संकल्प करवाना है कि गंगा और गायत्री आपके घर पे आई है तो आपका परिवार देव परिवार बन जाए, बच्चे सुसंस्कारी बने, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य हो, वृद्ध लोगों का सम्मान हो, घर में सुसंस्कारी पीढ़ियां बने, पीढ़ी जन्म ले, ऐसा सब काम उसके साथ जुड़ा हुआ है। भाई बहुत इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और आइए अब एक अगले चरण की ओर चलते हैं, अंतिम चरण है जिस पर बातचीत करेंगे हम। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उद्बोधन आपने सुना, उस उद्बोधन को आधार बनाते हुए एक नई कार्य योजना, एक नया दृष्टि पत्र जारी किया है शांति कुंज ने। ये है गायत्री शक्तिपीठ विजन 2026, 2026 का विजन है। एक ऐसी कार्य योजना कि जिससे हम ऋषि युग के सपनों के प्रज्ञा संस्थानों को खड़ा कर सके। कितना बड़ा संस्थान का अंबार, 5000 के आसपास अगर टोटल गिनेंगे, छोटे बड़े मिलाकर 5000 निकले, शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ ही देखते हैं तो 3000 दिखाई देते। जो इतना बड़ा जाल हमारे पास, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस संसाधन का हम सदुपयोग युग निर्माण के लिए कर सके तो सच में हम गुरु जी को बड़ा बहुत सुंदर एक श्रद्धांजलि माता जी को हम दे सकते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कि विजन में हम क्या क्या कर सकते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उद्बोधन को और परम पूज्य गुरुदेव की भावना को ध्यान में रखते हुए इस विजन के अंतर्गत 6 साल का कार्यक्रम तैयार किया गया है। ये शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष से शुरू होगा और वंदनीय माता जी और अखंड दीप के शताब्दी वर्ष पर, और जैसा श्रद्धेय डॉक्टर साहब कह रहे थे महर्षि अरविंद के जो महा अवतरण का क्रम है उसके शताब्दी वर्ष तक ये जाएगा। तो ये 6 साल के समय को 2-2 साल के 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें 3 वर्गों में 2-2 साल के वर्ग हैं। इन दोनों साल में क्या करेंगे आप, तो पहला वर्ग हमारा शुरू होगा सुधार संशोधन का, जिसे हम रिफॉर्म कह सकते। ये वर्ष 2021 और 22 के लिए होगा। इसके अंतर्गत हमने अभी आपको प्रज्ञा संस्थानों की अद्यतन जानकारी रखने के लिए, आपकी सारी जानकारी को टोटल डिजिटलाइज करने के लिए एक प्रोफार्मा आपको भेजा है हमने। 9 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना के हमने आपको भेजा है, जिसमें 4 खंड वाला एक प्रोफार्मा है, उसे भरकर आपको भेजना है। उसके भरने की रीति नीति भी उसी में भेजी है कि आप उसमें क्या लिखें, कैसे लिखें। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि वो प्रोफार्मा भर के आप शीघ्र शांति कुंज शक्तिपीठ कार्यालय को भेज दें, ताकि आपके संस्थान की पूरी जानकारी हमारे जो शांति कुंज का सॉफ्टवेयर है, ERP है, उसमें आपको हम उसको हम अपडेट कर सके। तो पहला तो आपसे ये निवेदन है। दूसरी बात यह है कि ये जो औपचारिकताएं आप पूर्ण करेंगे तो संभव है आपको इसमें लगे कि हमको जानते नहीं है, हमसे हो नहीं पा रहा है, तो इसके लिए एक नई कार्य योजना आई कि हर जो भी हमारे 3000 को हम शक्तिपीठों को टारगेट किए हैं तो 50-50 शक्तिपीठ प्रज्ञापीठों का, गायत्री ज्ञान मंदिर के 50-50 संस्थानों का, प्रज्ञा संस्थानों का एक एक मंडल बनाया है। अब हर 50 संस्थान का एक मंडल होगा। उस मंडल के देखरेख करने के लिए, सहयोग करने के लिए, आपको हमारी जानकारी पहुंचाने और आपकी जानकारी हम तक भेजने के लिए शक्तिपीठ सहयोगी मंडलों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 5 व्यक्तियों का समूह होगा और ये 50 शक्तिपीठों की जिम्मेदारी उठाएगा। इसमें अलग अलग तरह के लोग होंगे। उसका टोटल कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, 2021 और 22 के लिए रखा है। इसमें सबसे पहला व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसमें समन्वय की क्षमता होगी, जो सबके बीच सामंजस्य बिठा सकता है। दूसरा विधि और वित्त का और आपका लेखा का जानकार व्यक्ति, कि आपको बता सके कि कानून की क्या क्या चीजें हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे आप, ऑडिट कैसे कराएं, ITR कैसे भरें। आपका जो अभी जो प्रोफार्मा भराने की बात भाई साहब कह रहे थे, उसको आप कैसे पूरा करें, 12AB फॉर्म कैसे भरें, आप 80G में रजिस्ट्रेशन कैसे करा लें, उसका रिन्यूअल कैसे कराएं, जमीन संबंधी आपकी औपचारिकताएं अपूर्ण पड़ी होंगी उनको पूर्ण कैसे कर लें, इसका क्या था। तीसरा होगा जो रचनात्मक और हमारे साधनात्मक आंदोलनों को गति देने की क्षमता रखता है या उसका अनुभव रखता है, ऐसा व्यक्ति। चौथा व्यक्ति एक संस्थान का अनुभवी ट्रस्टी, जो बहुत सफलता से आदर्श शक्तिपीठ किसी को संचालित कर रहा है,
तो ऐसे संस्थान का एक प्रबंध ट्रस्टी होगा जिसे उसका अनुभव होगा कि ट्रस्टों को या शक्तिपीठ को कैसे संचालित किया जाता है। और पांचवा हमारे संगठन का व्यक्ति होगा, जिला समन्वय समिति का वो सदस्य हो सकता है, उसका समन्वयक हो सकता है। तो इस तरह से पांच पांच लोगों के हमने शक्तिपीठ सहयोगी मंडलों का गठन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को ढूंढना है जो इन पांच गुणों से परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों का 50 शक्तिपीठों के लिए यहां से नियुक्ति हो जाएगी। अगली बात यह है कि शक्तिपीठ सहयोगी मंडल जो काम करेगा तो इसका जो भी जरूरत पड़ेगी वो आपको भी सहयोग करेगा और आपके जानकारी लेकर के हमको भी भेजेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वो एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, जो है ना एक निरंतर संवाद चलता रहेगा। हम जो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं इससे भी लाभ ये होगा आपको कि आपकी सारी जानकारी हम तक होगी। आज तो हमने ये भी विचार किया है, हमारी टेक्निकल टीम है युवा प्रकोष्ठ की, वो टेक्निकल टीम ये कोशिश कर रही है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में हम ऐसी सुविधा कर दें कि हम 24 घंटे आपके साथ लाइव रहें। आप जब भी अपना ERP खोलेंगे आपके साथ में शांति कुंज आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। आप कोई चीज हमको लिखेंगे या हम आपको लिखेंगे, आप उसी में समाधान लिख देंगे, या आप हमको लिखेंगे तो हम उसमें जवाब दे देंगे आपको। काम जो भी होगा वो काम पूरा हुआ नहीं हुआ इसकी भी जानकारी आपको दिखती रही कि हमने जो भेजा था वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से परस्पर एक बहुत ही फास्ट, बहुत द्रुत गति से चलने वाला संवाद हम सबके बीच स्थापित हो पाएगा। कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा मंडल है ये 50 शक्तिपीठों से हर वर्ष एक दो शक्तिपीठ आदर्श शक्तिपीठ बनने लगे, जो गुरु जी चाहते हैं, जितनी बातें चाहते हैं अलग अलग, जैसे भाई साहब ने बताया, आपने बताया, मैं भी आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूँ और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने पूरी बात बताई, उन सारी बातों को आधार बनाकर शक्तिपीठ आदर्श कैसे बन जाए इसकी जानकारी हमारा ये शक्तिपीठ सहयोगी मंडल आप तक करेगा और कोशिश करेगा कि हर वर्ष एक दो शक्तिपीठों को चिन्हित किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए। प्रत्येक संस्थान का जो भी अभी निर्णय हो गया है कि अभी अलग अलग, कोई हरे रंग का बोर्ड लगाया हो, कोई नीले रंग का लगा रहा है, कोई पीले रंग का लगा रहा है, बोर्ड की साइज अलग है, फॉन्ट अलग है, इस बार ये तय हो गया है कि पूरे देश भर में जैसे बैंक, जैसे बीमा कंपनी और दूसरी संस्थाएं ऐसी होती है जिनके पूरे देश भर में, दुनिया भर में एक जैसा ही बैनर रहता है, एक जैसा ही नाम बोर्ड रहता है। तो इसी तरह कोशिश की जा रही है, आपको बिल्कुल रेडीमेड मिलेगा, आपको डिजाइन मिल जाएगी, आप प्रिंट कराइए लगाइए, एक कलर, एक तरह का फॉन्ट, एक तरह की डिजाइन, मेन गेट कैसा होगा आपका, उस पर क्या क्या लिखाएगा, शक्तिपीठ में प्रवेश करते समय शक्तिपीठ के द्वार पर क्या लिखा होगा, शक्तिपीठ के भवन के अंदर जो गर्भगृह के बाहर का कक्ष है उसमें क्या लगेगा, गर्भगृह कैसे दिखेगा, ये सारी चीजें कार्यालय से लेकर के हर तरह के बोर्ड आपको रेडी हम अवेलेबल करा रहे हैं। डिजाइन आपको हमारी वेबसाइट पर EWGP पर मिलेगी, आप क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए और लगाइए, सारे देश में एक जैसा, हमारा दूर से भी कोई देखे तो समझ जाए कि शांति कुंज मात्र संस्था का कोई यूनिट यहाँ पर स्थापित है। तो ये एक कोशिश की जा रही है, कोशिश ये भी की जा रही है कि आपके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, इसकी सबकी एक डायरेक्टरी तैयार हो जाए, आपके 50 शक्तिपीठों का, 50 संस्थानों का एक परस्पर मेल मिलाप बन जाए, एक दूसरे से सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सहयोग करके हम अपनी औपचारिकताओं को और कामों को आगे बढ़ाएं, ये भी कोशिश हो रही है। दूसरी आपसे एक निवेदन, बड़ा गंभीर निवेदन है ये, और पूज्य गुरुदेव मुझे याद आता है जब 1979 की अखंड ज्योति हम लोगों ने पढ़ी थी तो अखंड ज्योति के उस विशेष अंक में गुरुदेव ने लिखा था कि हर शक्तिपीठ को हम 40 गांव की जागीरदारी दे रहे हैं, हर प्रज्ञापीठ को 24 गांव की जागीरदारी दे रहे हैं, अर्थात 24 गांव या 40 गांव आपको अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनना होगा। इसे ही आप अपने शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, प्रज्ञा संस्थान का आलोक क्षेत्र कहेंगे। यही जो 24 गांव का संकुल होगा यही आपका कार्य क्षेत्र बन जाएगा। क्षमा कीजिएगा, जो शहर में बैठे लोग हैं या जो छोटे कस्बों में बैठे लोग हैं वो कस्बे तक सीमित रह गए। अब शहर और कस्बों में और मेट्रोज में किसी के पास वक्त नहीं है भाई साहब, उसकी रोजी रोटी की इतनी लंबी लिस्ट होती है कि उसका पूरा जीवन दौड़ते दौड़ते निकल जाता है, वो सांस भी नहीं ले पाता और भगवान को प्यारा हो जाता है। इसलिए आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो भावना से भरे हैं, जिनके पास समय है, जिनके पास साधन भी हैं, जो आपको सहायता कर सकते हैं और आपकी सहायता उनको चाहिए, वो क्षेत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र। इसलिए आपको हर शक्तिपीठ को अपने 24 गांव अनिवार्य रूप से चिन्हित करना है।
मेट्रो में आप हैं तो आप भले ही वार्ड कर लें, परंतु अभी आपको भले शहर में आप सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको गांव क्षेत्र में जरूर जाना है, क्योंकि अब अभी से लेके माताजी की शताब्दी तक आपको जो भी कार्यक्रम मिलेंगे ये गांव को आधार बनाकर मिलने वाले। ये जो 11 गांव अभी जा रहे हैं आप, धीरे धीरे 24 गांव तक चले जाएंगे। आप हमसे कहेंगे हमको 108 कुंडी यज्ञ चाहिए, हम आपसे निवेदन करेंगे आप 12 गांव में 9-9 कुंडी यज्ञ करिए और 108 कुंड का इतना विराट यज्ञ कर लीजिए कि जिसमें आपके 12 गांव शामिल हो जाएं। आपकी स्थिति भी सुदृढ़ होगी। जब आप ज्ञानघट धर्मघट घर घर में हर हर गांव में 108 घरों में स्थापित करेंगे तो आपका शक्तिपीठ समृद्ध हो जाएगा। और ये निश्चित मानता हूं मैं कि आप अपने गुरुधाम के प्रति भी सोचेंगे। आप अपना धर्मघट रखिए गांव के किसी किसान के घर में और शांतिगुंज का धर्मघट होगा आपके शक्तिपीठ पर। आप शक्तिपीठ का पोषण करें, क्षेत्र आपका पोषण करें, किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अपने कार्य क्षेत्र निर्धारित करना है, अपने क्रियाकलापों का हम कैलेंडर आपको अभी बना के इसी दिसंबर में आपको भेज देंगे कि वर्ष भर तिथि के हिसाब से शक्तिपीठ क्या काम कब करेगा, हमारा संगठन क्या करेगा, युवा मंडल, हमारे प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल कौन कौन से काम करेंगे। तो इन मंडलों के और शक्तिपीठों की जो काम है उनका हम लोगों ने एक वार्षिक कार्य कैलेंडर बना लिया है। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, आप जैसा कोई हमको दानदाता कोई मानदाता मिल जाए तो हो सकता है शक्तिपीठ के नाम से हमारे कैलेंडर्स को स्पॉन्सर कर दे तो हम हर शक्तिपीठ को एक कैलेंडर यहीं से उपलब्ध करा देंगे। तो ये भी हम देख रहे हैं, ऐसे भी कोई हमको मिलेंगे श्रीमन जिनके माध्यम से कैलेंडर प्रिंट करा के हम आप तक भेज देंगे। बहुत सुंदर कैलेंडर हमने बनाया, हर वर्ष बनाते हैं, इस बार बहुत विशेष बन रहा है। तो आपके क्रियाकलापों का कैलेंडर तैयार हो जाएगा ताकि आप समय से सब कार्यों को कर पाए। जो हमारे ट्रस्टीगण हैं, प्रबंध समिति के सदस्य हैं, ये कभी शांतिगुंज कई शक्तिपीठों के लोग 20-20 साल नहीं आते। जब परिवर्तन की स्थिति आती है और पब्लिक उनको उखाड़ने लगती है तब वो शांतिगुंज की शरण में आते हैं और यहाँ आके निवेदन करते हैं हमारे पिताजी ने ये किया था, हमने ये किया, आप हमको पुनः ट्रस्टी बना दीजिए। पर भाइयों बहनों, कागज के ट्रस्टी नहीं, सच्चे अर्थों में किसी के विश्वास पात्र बने उसके लिए आपको शांतिगुंज आना चाहिए। अपने कार्यकारिणी, अपने ट्रस्ट मंडल के सदस्यों को शांतिगुंज भेजने की व्यवस्था बनाइए कि कम से कम वर्ष में 9 दिन के लिए तो अपनी बैटरी रिचार्ज करके जाएं। अपने शक्तिपीठ पे काम करने वाले परिभाजक को भेजिए ताकि वो आपकी ये मिशन को समझ सके और आपके लिए लाभकारी हो पाए। शिकायत करते हैं शक्तिपीठ पे परिभाजक ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, परंतु उसके रिफ्रेशर की, उसके पुनर्बोधन की कोई प्रक्रिया हम लोग नहीं अपनाते। इसलिए एक ये भी आपसे निवेदन किया जा रहा है, भाई साहब ने आपको बहुत सारे रजिस्टर बनाने की बात कही, वो रजिस्टर जरूर बनाना चाहिए। एक रजिस्टर मैं निवेदन करता हूं कि शक्तिपीठ पर आगंतुक रजिस्टर रखिए, आपको जिसमें लोगों के सुझाव आपको मिल सके। आपकी सलाह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, लिखा रहे, कृपया इसमें अपना सुझाव दर्ज करें। लोग शिकायत नहीं, अपना सुझाव लिख करके जाएंगे और उससे आप अपने शक्तिपीठ को दिन प्रतिदिन और बेहतर करते चले जाएंगे। आपके शक्तिपीठ का ईमेल आईडी अनिवार्य हो गया है आजकल, आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए जिस पे हम तत्काल आपको मटेरियल भेज दें। हम पत्र से यहां से हम डालते हैं, अभी हमने एक ट्रस्ट को पत्र लिखे मीटिंग के लिए, वो मीटिंग की डेट निकल गई, उनको पोस्ट ऑफिस से पत्र ही नहीं मिल पाया। यदि हमारे पास ईमेल आईडी है आपका, आपका व्हाट्सएप नंबर है तो हम तुरंत विद इन सेकेंड्स आपको हम पत्र की कॉपी भेज देंगे, आप प्रिंट कर लीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, आप उसी को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आपके शक्तिपीठ पे कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप का एक किसी का नंबर होना चाहिए जिनसे संवाद हमारा तेज हो सके। और भी बहुत सारी चीजें अभी आ रही है, हो सकता है कल के दिन आपकी कोई वेबसाइट बन जाए, उससे आपको अनिवार्य रूप से जुड़ना पड़ेगा। तो ऐसे हर साल हमको कोई ना कोई शक्तिपीठ को आदर्श शक्तिपीठ के रूप में विकसित करना है। जैसा श्रद्धे कह रहे थे कि इस वर्ष से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और ये 2026 तक या हो सकता है उसके बाद भी चले। हर वर्ष 24 शक्तिपीठ जो आदर्श संस्थान बन गए उनको शांति कुंज में आपके वसंत पर्व पर सम्मानित किया जाएगा। उनके प्रधान ट्रस्टी को एक विशेष प्रमाण पत्र और एक विशेष मोमेंटो, एक प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा जिसमें गुरु जी की पूरी बात होगी और आपका यहाँ सादर सम्मान भी होगा। तो ऐसे शक्तिपीठ हम तैयार करें, ऐसे ऐसे हम लोग उसको अपने हिसाब से डेवलप करने का काम कर लें। जो आपके साथ मंडल जुड़े हुए हैं उन मंडलों के विकास का काम, उन मंडलों के फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सब आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं,
उन चीजों को हमको नियमित रूप से उन औपचारिकताओं पूर्ण करना चाहिए। भूमि संबंधी, भवन संबंधी, लेखा संबंधी बातें भाई साहब ने बताए, तो ये हमारा 2 साल का काम अपने शक्तिपीठ को उस धरातल पर लाकर खड़ा करना है जहां से आपका आप जहां से आप टेक ऑफ कर सकते, जहां से आप आगे की यात्रा पर निकल सकते हैं। और वो दूसरी यात्रा है भाइयों बहनों, परफॉर्मेंस, निष्पादन, प्रयास। तो ये निष्पादन करें आप, परफॉर्मेंस दें, वो करके दिखाएं जो गुरुजी चाहते थे। गुरुदेव कहते थे, बेटे हमारे शक्तिपीठ जन जागरण के केंद्र है, वो सामान्य मंदिर नहीं है, घंटी पूजा वाले, जहां भगवान भूखा बैठा रहता है, भक्त के बिना ताला नहीं खोलता तब तक भगवान का दरवाजा बाहर नहीं खुलता है। हमारे शक्तिपीठ जन जागरण के केंद्र, जीवंत केंद्र बने, महाप्रज्ञा के अवतरण के केंद्र बने, वो क्या क्रियाएं होंगी। तो वो चीजें जैसे दिनचर्या है, तो आपकी दिनचर्या, मैं जाता हूं कई जगह, कोई सुबह 5 बजे ही आरती हो रही, किसी की सुबह 7 बजे हो रही, कोई 8 बजे कर रहा है, जब मर्जी आए तब कई जगह हो ही नहीं रही। तो आप शांति कुंज की दिनचर्या को फॉलो करिए, तब यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का प्राण, ऋषियों की चेतना आपके शक्तिपीठ तक पहुंचेगी, तब आपका शक्तिपीठ एक ट्रांसफार्मर का काम करेगा और यहाँ की विद्युत ऊर्जा से जुड़कर आप क्षेत्र में भी उसका आलोक फैला पाएंगे। तो इस तरह से ऑडिट, आपके वार्षिक कार्य कैलेंडर बनाना, उसके लिए बजट बनाना काम के लिए, फिर जो 4 समितियां हैं ट्रस्ट की उनको गठित करना, बिना किए हुए आप असंतोष के भागीदार बन जाते। पता लगता है कि आप 5 ट्रस्टी हैं, 5 ट्रस्टी अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने प्रबंधन समिति नहीं बनाई। यदि आप प्रबंधन समिति और कार्य समिति या कार्यकारिणी बना लें, तो हमारे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को आपके साथ काम करने का अवसर मिलेगा, और वो समितियों से बढ़ते हुए कार्यकारिणी में और कार्यकारिणी से बढ़ते हुए जब ट्रस्ट में पहुंचेंगे, तो आप पक्का मान के चलना कि वो एक सफल ट्रस्टी बनेगा। अन्यथा अनगढ़ आदमी को पकड़ लाते हैं, किसी सेठ को तलक कर देते हैं, उसको कलावा बांध देते हैं ट्रस्टी के नाम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक निरंतर, एक क्रमगत, सीढ़ी दर सीढ़ी विकास का एक क्रम उसके साथ जोड़ा गया है। सामर्थ्य अनुसार आप अपने शक्तिपीठ पर छोटे बड़े शिविर लगाएं, साधना के शिविर हो सकते हैं, पुस्तिका आपकी सबके लिए सुलभ, साधना उपासना साधना पुस्तक, उसको आधार बना लें। कार्यकर्ता या परिवादकों का प्रशिक्षण कर सकते हैं, संगठन रचनात्मक स्वावलंबन पर प्रशिक्षण हो सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को आप आधार बना सकते हैं। आपके शक्तिपीठ का कार्यालय बहुत व्यवस्थित चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई आए और पता ही ना लगे, तो आपका कार्यालय व्यवस्थित चले, इसके भी हमने पूरे पत्रक जो आदर्श शक्तिपीठ मार्गदर्शिका बन रही है, वो आपके लिए हैंडबुक जैसी होगी, आपके हाथ में हर चीज दिखाई देगी आपको। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो आदर्श शक्तिपीठ के घोषणा में है, उनका परिचालन होता रहे। भाई साहब ने बताया, परिसर सौंदर्य पूर्ण हो, आवास, भोजनालय, स्वागत की व्यवस्था हो, कोई आए तो आप क्या रुके, आपके शक्तिपीठ की लोकेशन गूगल पे अपलोड करने की बात कर रहे हैं, आप अपने शक्तिपीठ की लोकेशन को गूगल पे अपलोड कर दीजिए, कितने समय खुलता है, कब बंद होता है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, क्या क्या कार्यक्रम है आपके, सारी चीजें उस पर डाली जा सकती। कोई आदमी हमसे यहाँ से पूछता है कि गया में शक्तिपीठ कहाँ है, अब हम उसको यहाँ से नंबर और पता भेजते हैं, वो ढूंढता रहता है, लोकेशन हो तो इमीडिएट आदमी गूगल पे जाएगा, लोकेशन सर्च करेगा और आपका GPS लगा करके आपके द्वार पे पहुंच जाएगा कार्यक्रम कराने के लिए। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है। सभी मंडलों को नियमित रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी अब शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ की, ध्यान रखें अब संगठन का स्वरूप एकदम बदल गया, शक्तिपीठ हमारा जो संगठन और युवा प्रकोष्ठ और जितने भी काम है वो सब एक हो गए, अलग अलग नहीं है, आप सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते, ये वेद वाक्य पुस्तक में लिखा ना रह जाए, ये हमारे शक्तिपीठ पर चरितार्थ हो, ऐसी कोशिश हमको मिलकर करनी है। तो सारे मंडलों को विकसित करना, गठन करना, उनको शक्तिपीठ से ही जोड़ा जाएगा, ध्यान रहिएगा। अब मंडल का मतलब, अब संगठन का मतलब है शक्तिपीठ और मंडल, अब संगठन का मतलब उपजोन प्रभारी, जोन प्रभारी, जिला समन्वयक, विकासखंड समन्वयक, ये नहीं है, या प्रांत प्रभारी, केंद्र प्रभारी, ये तो समन्वयक है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ये स्वयं सेवक है, ये फैसिलिटेटर है आपके लिए, या आपके सहयोगी है, या आपके प्रशासक नहीं है, ध्यान रहे। इसलिए कोई भी जहां कहीं भी जिस स्थल पर बैठा हुआ है, जो संगठन की किसी इकाई को समन्वय कर रहा है, वो सहयोगी है आपका, वो आपका बॉस नहीं है, बॉस तो सिर्फ एक ही है, सबका मालिक है, पूज्य गुरुदेव।
इसलिए हम सब भाई लोग भी यहाँ बैठकर आपका सहयोग करेंगे, आपसे सहयोग चाहेंगे। तो इस तरह से आप सब मिलकर काम करेंगे। ज्ञान रथों का संचालन इसी पीरियड में करना, मातृशक्ति श्रद्धांजलि की एक लोक शक्ति जागरण पद यात्रा निकालेंगे, जिसमें पूरे देश भर के शक्तिपीठों की यात्रा होगी, जगह जगह साधना का क्रम होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने शक्तिपीठ के परिजनों को आप प्रशिक्षित करें, लोक सेवियों के लिए दिशा बोध, ट्रस्ट के कानून प्रबंध, फिर आपका आपके ट्रस्ट से संबंधित है, फिर आपके संगठन से संबंधित है, संगठन की रीति नीति, इन पुस्तकों का भी स्वाध्याय हमारी जो संगठन से जुड़ी यूनिट है उसको कर लेना चाहिए। अपने पुनर्गठन पर ध्यान दीजिए। जब आपको कोई धकेल के बाहर करे तब आप पुनर्गठन करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। ये रिले रेस से ध्यान रखिए युग निर्माण, ये मशाल एक से दूसरे के हाथ में जानी है, नहीं जा दोगे तो दूसरा छीनेगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने जीवन काल में रहते हुए अपने लिए अपने जैसा कोई योग्य साधक, कोई एक समर्पित व्यक्ति, एक शिष्य भगवान को दे करके जाएं और उसके हाथ में आप अपनी चाबी सौंप कर जाएं। मित्रों, तो मैं समझता हूं गुरु जी की चेतना गुरु जहां कहीं भी होगी हमको बहुत आशीर्वाद देगी। कोशिश करिए कि समय पर पुनर्गठन, और जो हमारे पुनर्गठन में बाहर जाने वाले या जिनको परिवर्तित कर रहे हैं, मान लो कोई प्रधान ट्रस्टी है तो ऐसा नहीं उसको दूध में से मक्खी जैसा निकाल कर फेंक दी, हमने नई योजना बना दी। आप निकलेंगे तो पहले साल में आप सहयोगी की भूमिका में रहेंगे प्रधान ट्रस्टी की, दूसरे साल में आप मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, और तीसरे साल से ऑनवर्ड आप संरक्षक के रूप में उसी व्यवस्था में रहेंगे, उसी संगठन में रहेंगे। आपका अपमान नहीं होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और इस बीच में 3 साल में आप एक नया आदमी तैयार कर देंगे, वो आदमी अपने नीचे के आदमी को तैयार करेगा। तो मैं देखता हूं कि संगठन का एक बहुत ही पवित्र स्वरूप उभर करके आ जाएगा। इसलिए समय पर पुनर्गठन करें, आयकर आदि के कानूनों की औपचारिकताएं पूर्ण करें, और इस तरह से करते हुए धर्मघट ज्ञानघट के माध्यम से समय दान अंशदान की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए एक शानदार परफॉर्मेंस आप अपने शक्तिपीठ का दें। और तीसरा चरण जो है वो 25 और 26 के लिए रहेगा, 2025-26 ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन। आप परिवर्तन करके दिखाएंगे, भगवान की महान मंगलमय युग निर्माण योजना, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग की जो घटना, जो कल्पना है पूज्य गुरुवर की, वो आपके शक्तिपीठ के माध्यम से प्रकट हो जाए, वो जन जागरण का केंद्र बन जाए, वो परिवार समाज निर्माण का केंद्र बन जाए, वो विचार क्रांति का केंद्र बने, वो महाप्रज्ञा के आलोक प्रसाद का पावन स्थल बन जाए, जहां से ज्ञान की गंगोत्री शांति गुंज की धारा प्रवाहित होने लगे लोगों के बीच में। अलग अलग तरह के कार्यक्रम आप करें और इस तरह से जीवंत शक्तिपीठ के रूप में आप अपने आप को खड़ा कर पाएं, ऐसी उसमें आप सबसे प्रार्थना की जा रही है। ये होगा ट्रांसफॉर्म करने का काम। कुछ आपसे हमने सुझाव मांगे थे, हमारे बहुत सारे भाइयों ने, 5-1 मिनट और लूंगा मैं आपका, बहुत सारे सुझाव दिए। जैसे लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ स्मृति उपवन बनना चाहिए, देश भर में करीब 250 शक्तिपीठों ने स्मृति उपवन बना ली, आप भी बना सकते हैं, चित्र प्रदर्शनी लगे। जैसे शांतिगंज में 24 तारीख को महाश्रमदान होता है, आपके शक्तिपीठ में भी होने लगे, परिवाजकों का प्रशिक्षण आप करने लगे, मंडलों की इकाइयों को शक्तिपीठ से जोड़ करके रखें, ऐसी आपकी तरफ से ही आया था। स्वाध्याय की कक्षाएं चले, अग्रज सम्मान समारोह हो, जमीन पर प्रभाव देके सैद्धांतिक बात ना हो, ये भी बात आई। फिर आपकी टीम बनाकर क्षेत्र में क्षेत्र की शक्तिपीठों पर प्रवास की बात आए, फिर भारतीय संस्कृति और देव संस्कृति की आधारभूत जानकारी का शिक्षण वहां से होने लगे, ऐसी बहुत सारी चीजें, नए नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश हो, हृदय परिवर्तन की बात हो, संचालकों हेतु लोगों ने कहा मानदंड बनाइए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपकी तरफ से सुझाव आए थे, उन सुझावों को हम पूरा कर सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आप अलग अलग बहुत सारी चीजों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जो भी आपने सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी हमने अपने साथ जोड़ लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से ढेर सारी गतिविधियां इसके साथ जुड़ जाएंगी और आपका शक्तिपीठ भी बहुत शानदार तरीके से चलेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अभी प्रशिक्षण करना चाहते हैं अपने परिवाजक का, तो हम लोग अभी लगभग 50 लोगों का प्रशिक्षण ऑनलाइन शुरू करने वाले, वो लगातार चलाएंगे। और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इस वर्ष हम लोग शक्तिपीठों के प्रशिक्षण की व्यवस्था शीघ्र ही प्रारंभ कर दें, परिवाजकों के प्रशिक्षण की, ताकि आपको अच्छे योग्य परिवाजक मिलने लगे। हमारी कोशिश ये भी है और आपसे भी निवेदन करते हैं
कि आप ऐसे लोगों को परिवाजक के लिए ना भेजें जिनको घर वाले धक्के देकर भगाते। गुरु जी कहा करते थे, बेटे जिसको घर वाले धक्का दें तुम भी उसको धक्का दो, और जिसको घर वाले पकड़ के रखे तुम उसको पकड़ लो, छोड़ो मत। तो आप ऐसे लोगों को भेजो। आज आप जो भी व्यवस्थाएं देते हैं शक्तिपीठ की ओर से बाजार में, वो व्यवस्थाएं संस्थानों में नहीं मिल रही। रहना खाना सम्मान का जीवन और पूरा जीवन यापन के साधन, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए सब चीज अच्छी व्यवस्थाएं, ऐसे ऐसे परिवाजकों के प्रशिक्षण का क्रम भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो भाइयों ये कुछ ऐसी बातें थी, बहुत सारे आपके सुझाव हमको प्राप्त होते रहे हैं, और भी आप भेजते जाइएगा। सब मिलकर, हम और आप मिलकर के भगवान की इस अमानत को, इस धरोहर को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। शांति गुंज सदैव आपके साथ है। कोई भी बात आपके मन में आती है तो जीजी के नाम से पत्र भेजते रहिएगा, कोशिश करेंगे। आप मेल भेजिए हमको हमारे शक्तिपीठ कार्यालय के पते पर, यूथ सेल पर मेल भेजिए, आपके यहां से कोई आते जाते के हाथ संदेश भेजिए जरूर। शिकायत नहीं, सुझाव, समाधान खोजिए। शिकायत तो कोई भी कर सकता है, बच्चे शिकायत करते, बड़े लोग समाधान खोजते हैं। और आज हम 40 साल के प्रौढ़ हो गए शक्तिपीठ के रूप में भी, 2080 से लेकर के 2020 आ गए। डॉक्टर साहब ने अगले 20 वर्ष का काम दिया, यही 20 वर्ष में आदमी सब महत्वपूर्ण काम कर लेता है, शादी ब्याह मकान बनाना सब इसी एज में होते, 40 से 60 की उम्र में, 60 में तो रिटायर हो जाते। तो आपका शक्तिपीठ भी कुछ करके दिखाए, इसलिए जो 20 वर्ष है अभी मैं कहता हूँ 6 वर्ष के लिए आप एक बढ़िया कार्य योजना बना करके हमको भेजिए कि आपका शक्तिपीठ क्या कर रहा है। हमने आपको आदर्श शक्तिपीठ के रूप में भी पत्रक भेजा है, उसको आप भरकर भेजिए ताकि आपके शक्तिपीठ को हम आदर्श के रूप में चुनकर इस बार के चयन में ले आए और आपको यहाँ से पुरस्कृत किया जा सके। साथ ही आपने अभी पिछले 2 प्रज्ञा अभियान के पाक्षिक के संपादकीय पीछे देख रहे होंगे कि हर अंक में एक शक्तिपीठ का एक पूरा कॉलम निकल रहा है, आपके शक्तिपीठ को की सफलता की कहानी। आपने देखा होगा पिछले दिनों 2 शक्तिपीठों का निकला, महाराष्ट्र के शक्तिपीठ थे, औरंगाबाद शक्तिपीठ कैसे संचालित कर रहे हैं, सब मिलकर संचालित करते हैं। एक एक दिन के लिए एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी जुड़ी हुई, कोई व्यक्ति वहां अलग से परिवाजक नहीं है, एक परिवार अहोरात्र 24 घंटे का समय शक्तिपीठ पर रहता है, सारी काम करता है, माता जी के भोग बनाने से लेकर झाड़ू पोंछा यज्ञ तक सब, शाम को विदा हो गया दूसरा परिवार आ गया, ऐसी व्यवस्था बनी। आप भी ऐसा कुछ करिए कि अपने शक्तिपीठ पर इस तरह की कुछ योजनाएं बन जाए। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, हमारे भाई लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमको ये मिल जाएगा, तो आपके लिए वीडियो अवेलेबल रहेगा, हमारा मटेरियल भी है, कोई कॉपीराइट नहीं, आपको यहाँ बता दीजिए, मेल करिएगा, हम आपको सब मटेरियल भी भेजेंगे और आपको पुस्तक के रूप में सारी चीजें दे रहे हैं। इसलिए आप सब हमारे साथ जुड़े, हमारे भाइयों ने इसमें बड़ा मेहनत की और मैं तो बधाई देता हूँ आदरणीय शशिकांत जी और हमारे भाई साहब को विनय जी को, उन्होंने बड़ा प्रयास करके ये संदेश आप तक प्रसारित किया कि आज आप जुड़े और उनकी बात मान करके आप जुड़ गए, तो निश्चित ही आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे बड़े बड़े भाई लोग जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोग, सबको हम हृदय से प्रणाम करते हैं और आप सबके उज्ज्वल भविष्य के लिए, आप सबके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए ऋषि सत्ता से, गुरु सत्ता से, यहाँ गायत्री माता से प्रार्थना करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी जी का आशीर्वाद आपको मिले, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, कोरोना से मुक्त रहें, आप अपने परिवार को प्रसन्न रखें और भगवान की इस मंगलमय युग निर्माण योजना को आगे बढ़ाने में सक्रिय बने, ऐसी बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं हम भाइयों की ओर से स्वीकार करिएगा। जो भी आगे आपको कुछ कहना हो, कुछ संदेश भेजना हो तो आप भेजते रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब मिलकर शांति पाठ करते हैं, हमारे साथ साथ सभी भाइयों से प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति।
शांति शांति शांति।